हेलो फूडीज, स्वागत है आपका ओम साई कुकिंग क्लासेस में। आज मुझे बहुत मीठा खाने का मन हो रहा है, क्या बनाऊँ मैं वही सोच रही हूँ, ताकि मैं आपको भी सिखा सकूँ और मैं भी खाऊँ। मूंग दाल हलवा, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, पहले उसको भिगाओ। अगर मुझे अभी खाना है तो पहले मुझे भिगाना पड़ेगा, फिर उसको पीसना पड़ेगा, पीसने के बाद उसको 1-1.5 घंटा हिलाना पड़ेगा, बहुत टाइम चला जाता है। और इसी वजह से मेरे जैसे बहुत सारे लोग फिर मूंग दाल हलवा बनाते ही नहीं है, फिर हम सूजी उठाते हैं, फटाफट से हलवा बना के परोस देते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बिना भिगोए, आपको कोई भिगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना भिगोए अगर आपको मूंग दाल हलवा खाना है तो आप कैसे खाओगे, वो भी फटाफट से 15 मिनट के अंदर आपका हलवा हो जाता है रेडी। तो स्टार्ट करते हैं मूंग दाल हलवा बनाना। तो सबसे पहले आपको 100 ग्राम मूंग दाल लेनी है और इसे धो लेना है। ये जो हलवा है बहुत फटाफट से बनता है बिना भिगोए, सो ये इंस्टेंट मूंग दाल हलवा है। धोने के बाद इसे स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से पूरा पानी निकाल लीजिए। ओके, अब एक पैन में ये जो धोई हुई दाल है इसे हम भून लेंगे। तो इसे आपको अच्छे से भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखिए पूरा पानी सूख चुका है और इसका जो कलर है थोड़ा सा सुनहरा हो चुका है। तो यहाँ मैं दाल को निकाल लेती हूँ। तो ये दाल मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप कलर देख सकते हो, जितना अच्छा कलर आएगा उतना अच्छा हलवे का कलर आता है। सो इस दाल को अब मैं पीस लेती हूँ। सो जो आपको पीसना है थोड़ा सा दरदरा रखना है, एकदम फाइन नहीं करना है। अब मैं एक पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ और इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून काजू बादाम चॉप करके भून लेती हूँ। इसे आपको सुनहरा होने तक भूनना है। जनरली जब हम मूंग दाल हलवा बनाते हैं तो बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है, ये जो मेथड है बहुत फटाफट से होने वाली है। अगर आपको कल हलवा बनाना है तो पहले दिन भी आप प्रिपरेशन करके रख सकते हो। सो ये मैंने 1/3 कप घी लिया है, लगभग 80 ml है, और इसमें मैंने सूजी डाल दिया, 1/2 टेबल स्पून बेसन डाल दिया, सूजी भी मैंने 1/2 टेबल स्पून ही डाला था, और इसे आपको रोस्ट कर लेना है। और अब ये जो पीसा हुआ दाल है ये भी हम इसी के अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जब इस मिश्रण में उबाल आने लगे तब इसमें हम डालेंगे 50 ml गर्म पानी। ओके, और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, जिसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। और इसी के साथ मैं डालूंगी 200 ml दूध और इसे आप अच्छे से पका लीजिए। चीनी यहाँ मैंने 120 ग्राम डाली है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हो। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। तो अगर आपको टाइम नहीं है, दूसरे दिन अगर आपको हलवा बनाना है तो आप दाल की पाउडर करके रख सकते हो। जब हलवा बनाना फटाफट से बस दूध पानी ये सारी चीज़ें डाल के आपका हलवा रेडी हो जाता है। सो इसमें अब मैं भुने हुए काजू और बादाम डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये जो हलवा होता है इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मैं और थोड़ा सा इसमें घी डालने वाली हूँ। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून और घी डाल दिया है और ये हमारा इंस्टेंट मूंग दाल हलवा रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए